दर्शन करके भी हम लोग जो है आ चुके हैं बाहर। इसमें इतनी ज्यादा ठंड होती है, इतनी ज्यादा ठंड होती है कि मैं बता नहीं सकता, सबसे हाई इंटेंसिटी में ठंड होती है। ये देखिए भाई ऐसा घूम रहा है, ये देखिए। तो हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे सब लोग, आई हो आप लोग मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो मैं हूँ सौरभ नोटियाल, लाल घाटी का लाल, और मैं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों से, क्योंकि लगभग जो है एक दो महीने से ज़्यादा हो गया मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन आज फाइनली मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। और मैं बता दूँ, हम लोग सब विद फैमिली कहीं जा रहे घूमने के लिए, आप सब लोग मेरे साथ बने रहना ब्लॉग में और बहुत ही मज़ा आएगा। मैं फ़िलहाल आ रहा हूँ अपने गाँव भिटियारा, और मैं बता दूँ लगभग जो है 6 बज रही है और अभी बाहर भी अंधेरा है, इसलिए मैं बाहर गया नहीं। तो मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ बिस्तर के ऊपर, क्योंकि उठ ही रहे हैं। और चलो फिर चलते हैं, आप सब लोग मेरे साथ बने रहना और फिर मैं बताऊँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ आज। तो मैं आपको बता दूँ, हम लोग जो है तैयार हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं एक कार है हमारे पास, और ये चलाएँगे हमारे भाई कुलदीप नोटियाल जी, और उसके बाद मैं जाऊँगा स्कूटी पर, क्योंकि हम ज़्यादा लोग हैं, 5 लोग तो कार के लिए और 2 लोग यहाँ हैं, और बाकी फिर हम लोग पोखाल में, मम्मी पापा और दादी भी जा रही मेरी, देख सकते हो। और चलो फिर आप आगे मिलते हैं आपको रास्ते। ये बता दो, ये बड्डी है, ये मेरी बहन है, ये भाई है, और ये देखो मेरे बड़े भाई का लड़का, ये दादी, और ये कार, और ये स्कूटी। मैं बता दूँ, मेरे साथ जो है मेरी बहन थी स्कूटी पर, बाकी लोग कार पर आ रहे हैं। चलो फिर उनका इंतज़ार करते हैं और फिर यहाँ से चलेंगे आगे। तो मैं आपको बता दूँ, हम लोग जो है लम्बगांव से आगे आ चुके हैं, और अभी फ़िलहाल हम लोग रुक रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि दूसरी गाड़ी आई नहीं जो कुलदीप भाई चला रहा है। मैं बता दूँ, ये जो रोड है ये चलेगी सीधे हमारे ऋषिकेश के लिए, डोबरा चांटी, और यहाँ से जाएंगे हम लोग श्रीनगर के लिए। तो आप सब लोग मेरे साथ बने रहो। लोग देख सकते हो हम सब लोग जो है स्कूटी वाले और कार वाले अब पूरी जो है टैक्सी में बैठ चुके हैं, और ये रहे हमारे कुलदीप भाई। कैसा लग रहा है आपको पीछे? बहुत बेकार, मुझे तो ये भी याद नहीं कि लास्ट टाइम मैं पीछे कब बैठा था। अब बताओ जरा क्या कर सकते हैं हमें। ये पापा जी हैं, ये बड़ा जी। तो हम लोग जो है पोखाल से दूसरी गाड़ी में बैठ चुके हैं, और बता दूं मैं आपको कि जल्दबाजी में कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेट ही हो गए। तो हम लोग जो है श्रीनगर से थोड़ा आगे निकल गए, और मैं सो रखा था इसलिए मैं बता नहीं पाया आपको श्रीनगर, लेकिन अब जहाँ जा रहे हैं वहीं दिखाएंगे आप लोगों को, आप सब लोग बने रहो। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग, और हम लोग आ रखे हैं श्रीनगर से थोड़ा सा आगे, तो अभी आप लोगों को बताएंगे, आप लोग बस बने रहो मेरे साथ। तो आप लोगों ने शायद देखा होगा ये रास्ता, चलो फिर चलते हैं और यहाँ से चले हम लोग, आप लोग बने रहो मेरे साथ। तो हम सब लोग आज जो है धारी देवी माँ के दर्शन करने आ रखे हैं यहाँ श्रीनगर से आगे। तो धारी देवी का जो मंदिर है वो कालिया सोड़ में है, और बाकी जो है हम सब लोग हैं 9-10 लोग हैं, वो बड़ा ही मज़ा आया। बाकी मैंने आपको बता दिया, सुबह हम लोग जो है कार लेके आए, और मैं बाइक स्कूटी पे आया, और यहाँ से हम लोग जो है गाड़ी बुक कर रखी थी। और बाकी मेरे पीछे आप लोग ये देख सकते हो मंदिर, और आप सब लोग बने रहना, बाकी हम देखते हैं अभी, क्या पता आज जो है बोटिंग भी हो रही है वहाँ सामने, तो क्या पता बोटिंग भी करें। रास्ता थोड़ा सा दूर है लेकिन मज़ा आ रहा है सफ़र में, और सफ़र में है कुलदीप भाई मेरे साथ। बहुत अच्छा लग रहा है यार सच में, पहली बार आना हो रहा है तो इट्स बेटर। मैं तो सेकंड टाइम आ रहा हूँ, लेकिन उस टाइम जो मंदिर नहीं बना था, छोटा सा मंदिर था, लेकिन अभी जो है मंदिर बहुत ही बड़ा बन चुका है। और चलो फिर आप वहीं चलेंगे। ये रहा यहाँ से तो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है मंदिर, और ये है एंट्री, यहाँ से अंदर जाएंगे। क्या बात है, क्या मज़ा। तो चलो फिर अब यहाँ से हम लोग जो है अंदर जा रहे हैं मंदिर के लिए, और बाकी ये देखो पड्डी जी और कुलदीप भाई पीछे पीछे से आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। लेकिन मैं लगभग जो 2016 में आया था, 7 साल पहले, तो उस टाइम तो यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन आप देखो आप लोग बहुत कुछ बन चुका है। और बाकी हमारे भाई से बोलेंगे, भाई कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा यार, बहुत प्यारा, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। हाँ, और ये अच्छा देखो आप मेरी मम्मी का, देखो आप क्या लग रही है, बोला मजा आ गया। ये रवाई से नहीं है लेकिन फिर भी रवाई। हाँ, रवाई की लग रही है।
लोग देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से जो है मंदिर की डिजाइन कर रखी है। दर्शन करके भी हम लोग जो है आ चुके हैं बाहर माँ के, और बाकी जो है बाकी लोग इधर आ रहे हैं। ये देखो, ये हमारे कुलदीप भाई जी, क्या बात है, अलग ही फील है। और ये हमारा गोवा बीच, छोटा सा श्रीनगर में, और ये देखो बोटिंग हो रही है, ओ वाह। और ये है धारा देवी माँ का मंदिर, काली माँ का मंदिर, और ये हमारी इलाकनंदा बहती हुई यहाँ से जाती हुई। बोटिंग करेंगे हम अभी, बैठ दो, दोनों भाई करेंगे बोटिंग अभी, देखते हैं। तो दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ा वहाँ गए, उसके बाद हम लोग जो है खाना खाया, आप लोग देख सकते हो होटल में। और ये सब लोग जो है आप मेरे पीछे देख सकते हो खा रहे, और मैं बता दूँ हमने होटल का खाना नहीं खाया, हमने घर का खाना खाया, क्योंकि घर से मम्मी ने बनाए रखे थे, ठीक है, पराठे बना के ला रखे थे। और बाकी जो है आप लोग बने रहो, और आप श्रीनगर मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। मम्मी ने इस पर लाए थे छोले, सॉरी मैं आपको पहले नहीं बता पाया, और इस पर थी पूरियाँ, ख़त्म हो चुकी है। ये देखो चाचू, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, सबने खाना खुना खा लिया, और अब यहाँ से चलते हैं आगे। और बाकी बड़ी को, बड़ी जी कैसा लगा यहाँ? बढ़िया। अरे वाह, हमारी माँ ना। तो अब मैं दादी जी से पूछूंगा, दादी आपको कैसा लगा यहाँ? है दादी, कौन लगे? बढ़िया। हाँ बढ़िया लगे, दादी भी खुश हुई मेरी, घूमते हैं। और बेटा राम कैसा भाई यहाँ? अच्छा है, बताओ कैसा लगा? चलो फिर चलते हैं अब। चलो चलो, वहाँ से चले गए हम वापस। जय धारी देवी, चले वापस घर के लिए। भाई मैंने कितना बड़ा ला रखा है, और कितनी बड़ी माला ला रखी है, इन्होंने कितना लाया? छोटा सा सही बताओ। नहीं नहीं, वो दरअसल तो आप लोग हाइट देख सकते हैं, भाई को डर है कहीं फोन न जाए नीचे, इसमें हाइट तो नहीं दिखेगी, हाइट नहीं दिख रही, पर फिर भी जो है बहुत ज्यादा हाइट है, लेकिन हम फील कर पा रहे हैं बहुत ज्यादा। ये है इलाकनंदा नदी, ये मेरा हाथ है भाई जी। हेलो गाइस, यार सच बताऊं तो पहाड़ी बंदे एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, अभी खत्म जो हुआ पुसक मैनू खत्म हुई, इसमें इतनी ज़्यादा ठंड होती है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि मैं बता नहीं सकता, सबसे हाई इंटेंसिटी में ठंड होती है। लेकिन अभी मैं जो फील कर पा रहा हूँ, तो बिल्कुल यार ये देख सकते हो आप, टोपी बस ऐसी हल्के उसके लिए पहनी हुई कि थोड़ा, हाँ यार चलो हल्का फुल्का, यहाँ पे हवा चल रही है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा मतलब होना चाहिए था इस टाइम पे, बिल्कुल ठंडा नहीं है। बाकी हाइट देखो तो इतनी ज़्यादा है अभी, बिल्कुल भाई ने बिल्कुल सही बात बोली, जो है आजकल सर्दियों का दिन भर चलियो, पर एकते में जी गर्म लगनी महंगा, बहुत ज्यादा गर्म, इतना गर्म हो रहा है यहाँ पे, क्या ही बताऊं मैं आपको, ठीक है मतलब कटवा दो निकला। अरे बिल्कुल यार, फ्री फ्री बोलो, फ्री, हाँ भाई ने बोल दिया। तो हम लोग जो है पहुँच गए हैं अभी, अभी हम लोग कांडी खाल, और यहाँ से जो है 2-3 किलोमीटर है बस हमारा पोखाल, जहाँ पापा स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय। और मैं तो जा रहा हूँ पैदल पैदल, क्योंकि मैं पीछे वाली सीट पे जो है पूरा घूम गया हूँ, तो मैंने बोला मैं पैदल जाता हूँ, आप लोग जाओ, और चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं यहाँ का, यहाँ की व्यू दिखाते हैं, यहाँ से अगर कुछ दिखेगा बने रहो। और बहुत ही मज़ा आ गया आज। ओ ये देखो, आप लोग देख सकते हैं ये सारे हाउस हैं, यहाँ सबसे लास्ट है, यहाँ ऊपर आप लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ पोखाल ये रहा सामने, थोड़ी देर में ले चलेंगे आपको, और शाम का टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज गए हम स्कूल, और ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, और बाकी आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और यहाँ से चलेंगे ऊपर अपने कमरे के लिए, पापा का याद, तो मैं तो आ गया हूँ बिस्तर के ऊपर, क्योंकि थक बहुत ज़्यादा लग चुकी है,
इसलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोगों को मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद जय भारत।